पैठाणी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार पैठाणी सिउलीखंड मार्ग पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि बीते कुछ माह पहले स्थानीय व्यापारियों और लोक निर्माण विभाग समेत जिला प्रशासन के साथ एक सामूहिक बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि स्थानीय लोगों की मदद से व्यापारियों के सहयोग से मुख्य बाजार पर हुए अनावश्यक रूप से हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। न्यायिक तहसीलदार चाकीसेण यशोधर वर्थवाल ने बताया कि विगत मार्च माह में सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए थे और जिसमें बताया गया था कि स्थानीय व्यापारी खुद ही निशान तक अतिक्रमण हटाकर प्रशासन को सहयोग करेंगे, जिसके बाद ऐसा ना होने पर आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। साथ ही विभाग के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के रोष का सामना भी करना पड़ा। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। तो जा रहा है लेकिन नुकसान भरपाई कौन करेगा इसकी? कोई तो नहीं करेगा ना, हम ही खुद ही कर रहे हैं तो हम अपने सामने कैसे गिरने दे सकते हैं? देखा जाए तो वही लोग बनाते हैं, फिर वही लोग गिराए जाएंगे तो वो अच्छी बात थोड़ना है। लेकिन खरीद भी तो रखी हमने, जमीन विभाग थोड़ना दे रखा, जमीन हम लोगों की है तो विभाग की कहाँ से होगी जमीन, ये बताओ। रहते ही है मगर हमने जो है उनको मार्च महीने में नोटिस सर्व कर दिए थे और उसी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया था जी, और हम अपने रोड के ऊपर से अतिक्रमण हटा रहे हैं। नोटिस हमारे द्वारा 25 मार्च और 28 मार्च को सर्व कर दिए गए थे और उसके बाद हमने एक मीटिंग भी सर्व की थी मई के महीने में सभी निवासियों द्वारा पैठानी बाजार के और व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष थे उनके अध्यक्षता में मीटिंग की गई थी। लोक निर्माण विभागों के द्वारा पैठानी बाजार में अतिक्रमणकारियों को नोटिस सर्व किए गए हैं और इनके द्वारा जब ये अपने स्वयं इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया जी तो आज प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है जी, और इसमें जनता का भी सहयोग है, व्यापारियों का भी हमारे साथ सहयोग है।